हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, जैसे 1.1 एक्सरसाइज था वैसे ही ये भी है, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेगा। तो अब ये फ्रैक्शन में दिए है इसमें, तो थोड़ा सा हम लोगों को प्रेजेंटेशन चेंज करना है और उसके बाद में सम तो लगभग वैसे ही करना है और फिर रीपुटिंग करके और ये सम को कंप्लीट करना है। इजी बट थोड़ा लेंदी सम है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए जरा, 2 upon x minus 3 upon y = 15। और दूसरा क्या दिया है इक्वेशन, 8 upon x plus 5y upon plus 5 upon y = 77। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहेगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हम लोग दे देंगे। तो क्या करूँगा मैं, 2 upon x minus 3 upon y = 15 हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 8 upon x plus 5 upon y = 77, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ये जो है 2 into 1 upon x यहाँ से निकालो कॉमन, और 3 into 1 upon y = 15 ये हो गया, और यहाँ पे ये 8 निकालो और ये 1 upon x निकाल के यहाँ से ये कॉमन निकाल देना है इसको, 1 upon x को, -5 into 1 upon y = कितना हो गया ये, 77। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पे 1 upon x है 1 upon y है वहाँ पे एक जगह पे a पुट कर देंगे और एक जगह पे b पुट कर देंगे। तो हमारा ये पहले के जैसा इक्वेशन अब तैयार हो जाएगा। फिर हम लोगों को इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा a और b का, उसके बाद में ये वहाँ पे वापस से रीपुटिंग करना है यहाँ पे, वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे इसमें क्या, पुट 1 upon x = a और 1 upon y = b। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2a minus 3b = 15, जो कि हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। और दूसरा क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 8a minus 5b = 77, दिस विल बी योर फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना है ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब अननेसेसरी अगर हम लोग इसको कट करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को दो बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये 8 है और 2 के टेबल में 8 आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो थर्ड इक्वेशन है उसको ही मैं सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 है उसको ही मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये दो जगह पे जहाँ साइन माइनस कर दिया था वहाँ प्लस है, ज़रा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में भी प्लस ही है। ठीक है, थोड़ा भी घाई नहीं करना है जब सम आप सॉल्व करोगे तब। तो अब हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4। तो ये 4 2a minus 3b = 15 into 4, ये ऑन बोथ द साइड्स करना है तुमको, तो 15 4 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 8a minus 12b। ठीक है, तो दिस विल बी योर फिफ्थ इक्वेशन। अब हम लोगों को कौन से दो इक्वेशन लेने हैं, 4 और 5 के साथ में जो भी एडिंग है सब्ट्रैक्टिंग है जो भी करना है वो हम लोगों को इसी के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये कितना है 77 है और ये कितना है 60 है। तो पहले तो यही लिखना होगा हम लोगों को। ठीक है, अब करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। हम लोगों को इक्वेशन 5 को माइनस करना है 4 में से। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ इसको माइनस क्यों किया है, 8a minus 12b = 60 और ऊपर आ जाएगा, सॉरी, 8a plus
5b इज इक्वल टू 77, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस में या माइनस करूँगा, तो इसलिए मैंने सब्ट्रैक्टिंग किया था, ये प्लस हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। फिर उसके बाद में नहीं, ये प्लस करना है, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17, बी इज इक्वल टू ये कितना हो गया 17, तो देयर फॉर 17 बी इज इक्वल टू 17, तो बी इज इक्वल टू 17 अपॉन 17 विच इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, पुट बी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में जब हम लोग पुट कर देंगे तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, ये जो दिया था हम लोगों को 2a माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू 15 माइनस ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू के इस साइड आते आते, मैंने पहले ही समझाया था ये आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 18। फिर उसके बाद में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 अपॉन 2, तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 9। फिर अब हम लोगों को क्या करना है, बट अब हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, बट a इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x है, हाँ, एंड बी इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन y है, तो 1 अपॉन x जो है यहाँ पे इज इक्वल टू a के जगह पे मैं क्या लिखूँगा 9 लिखूँगा, और 1 अपॉन y इज इक्वल टू ये मेरा 1 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, जरा ध्यान दीजिए, 1 इज इक्वल टू ये x इधर जो मैंने बोला था डिवाइड रहेगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9x हो गया, ये 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई विल बी y, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, अब x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 हो गया, ठीक है ना, ये जो है ये मल्टीप्लाई में था तो ये 9 नीचे आएगा, ठीक है ना, तो अगर ये x को इधर लग जाता तो वापस से ये डिवाइड में आ जाता, तो हम लोगों को क्या करना है, ये 9 नीचे लेके आना है, और ये क्या है y इज इक्वल टू 1, तो ये इतना तुम्हारा सम रहेगा जो कि बहुत ईजी है।